हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ शुरू होते ही जब हम पौधों की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पौधे नजर आते हैं, क्योंकि पूरे साल में यही 2-3 महीने होते हैं जब हम फूलों से लदे हुए पौधों को देखते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट है उनका जो ब्लूमिंग टाइम साल के यही सिर्फ 2-3 महीने होता है, उसके अलावा पूरा साल उनमें फूल नहीं लगते। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब नर्सरी से हम फूलों से लदा हुआ पौधा लेके आते हैं तो लगभग 10-15 दिन के बाद जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो उन पर दोबारा फूल नहीं लगता, और जैसे ही सर्दी ख़त्म होते होते ही ये पौधे सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा बहुत सा पैसा और समय व्यर्थ जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि फूलों के पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास खर्च करने के लिए बहुत से पैसे और समय नहीं है तो आज मैं बात करूंगी उन प्लांट्स की जो पूरा साल बहुत कम मेहनत में हमारे साथ बने रहते हैं। और अगर हम इन प्लांट्स का कुछ खास ख्याल रखें और उनको समय समय पे मल्टीप्लाई करते रहें तो शायद ये प्लांट्स आपके साथ ज़िंदगी भर बने रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वॉन्डरिंग यू प्लांट की। ये प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं इनमें ग्रीन और सिल्वर और पर्पल कलर की शेडिंग होती है। ये प्लांट जो है आपके गार्डन में कलर भी ऐड करता है। सारा साल ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये हैंगिंग बास्केट्स में भी आप लगा सकते हैं और हेज बनाने में भी इस प्लांट का हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट की केयर बहुत आसान है। बस इस प्लांट में जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है इसके ऊपर से हमें कटिंग करते रहना, उन कटिंग्स को साथ के साथ हमने मिट्टी में लगाते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ड्रेसिना फैमिली का है, विक्टोरिया ड्रेसिना। ये प्लांट भी पूरी सर्दी बहुत अच्छे से चलता है। इसके साथ साथ इसी की कैटेगरी ड्रेसिना फैमिली का ही जो प्लांट है वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट पूरे साल बिना हमें कोई परेशान करे बहुत आराम से ग्रो करता है। बस इसमें समय समय पर जो इसकी पुरानी लीव्स होती हैं उन पुरानी लीव्स को हमने उतारते रहना है। ड्रेसिना फैमिली में इसमें एक तो इसकी ये कैटेगरी आती है ग्रीन और येलो वाली। ये ग्रीन और येलो वाली बहुत वाइब्रेंट इसमें येलो कलर होता है। नेक्स्ट जो आपकी इसमें जो वैरायटी आती है वो पूरे ग्रीन कलर के प्लांट वाली आती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरा साल ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। साल में सिर्फ 2 बार आपने इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है और बहुत अच्छे से आपके गार्डन को कलरफुल रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हैं पर्पल हार्ट प्लांट है। पर्पल हार्ट प्लांट भी बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट्स में या हेजेस बनाने में हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे गार्डन में कलर ऐड करता है, तो इसलिए जब हम अपने गार्डन में ग्रीन कलर को कट करके कलर से कुछ डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उसमें हम ये प्लांट हम लगा लेते हैं। इस प्लांट की एक कटिंग को आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई करके इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग किसी भी सीजन में लग जाती है। इस प्लांट में भी ये जैसे जैसे प्लांट ये ऊपर से ग्रो होता जाता है ऊपर से हम इसकी कटिंग करते रहते हैं और उसके नए प्लांट्स हम बनाते रहते हैं। जो आप देख रहे हैं ये है रोयो प्लांट। रोयो प्लांट भी बहुत कलरफुल प्लांट है। इसमें जो लीव्स में ऊपर की तरफ ग्रीन शेड होता है और लीव्स के जो पिछली तरफ पर्पल शेड आता है। ये प्लांट सनलाइट में और सेमी शेड में दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट्स में या हैज बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की अगर एक कटिंग आप लगा लेते हैं तो इस पूरा साल ये प्लांट जो है हमारे साथ हरा भरा बना रहता है। इस प्लांट को भी लीस्ट केयर चाहिए और बहुत अच्छे से ये प्लांट चलता है। नॉन डिमांडिंग प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट जो पूरा साल हमारे साथ बना रहता है ये है बोगनविला प्लांट। बोगनविला प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन आती है। इसकी जो वेरिएटेड वेराइटीज़ हैं उनमें मिक्स कलर जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें मिक्स कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। इस तरह के बहुत से इसकी वेरिएटेड वेराइटीज़ आती हैं इससे। और सर्दियों में इसकी लीव्स शेड हो जाती हैं लेकिन इसमें फ्लावरिंग अच्छी रहती है। सर्दियों के अलावा भी पूरा साल ऑन एंड ऑफ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और ये आपके गार्डन को पूरा साल कलरफुल रखता है। ये प्लांट भी बहुत कम डिमांडिंग है। जितना कम पानी डालेंगे उतनी ज़्यादा हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट जो अभी आप देख रहे हैं ये फॉर्बिया मिली प्लांट है। ये भी कांटेदार प्लांट है, पूरा साल बहुत अच्छे से चलता है। नॉन डिमांडिंग प्लांट है, फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है। और अगर आप कम फर्टिलाइजर भी डालते हैं उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये प्लांट पूरा साल बहुत अच्छे से चलता है। इसमें बस हमने पानी कम डालना है क्योंकि अगर हम इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो इसमें लीव्स ज़्यादा होंगी और फ्लावरिंग कम होगी। और अगर हम फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें हमें जो है पानी कम डालना है। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं डिफिनबेकिया प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है।
इसमें भी इसकी ये जो है देसी वैरायटी है, इसके साथ साथ हाइब्रिड वैरायटीज आती हैं जिसमें जो लीव्स में येलो कलर का जो शेड होता है वो कम ज़्यादा होता है। ये प्लांट भी कटिंग से बहुत इजीली चल जाता है, पूरा साल बहुत अच्छे से चलता है। मेरे पास ये जो प्लांट देख रहे हैं ये कम से कम 30-35 साल पुराना प्लांट है, और एक ही प्लांट से मैंने मल्टीप्लाई करके ये काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए हैं। ये प्लांट सेमी शेड का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, सर्दियों में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बस इन प्लांट्स में समय समय पे आपने जो पुरानी लीव्स है उनको निकालते रहना है। विंटर्स में प्लांट थोड़े से डोरमेंसी में ज़रूर जाते हैं कि इनमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ये प्लांट्स मरते नहीं हैं। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये पोथोस प्लांट, मनी प्लांट। मनी प्लांट तो हर जो है गार्डनिंग लवर का, हर प्लांट लवर का जो सबसे आई थिंक जो सबसे फर्स्ट प्लांट होता है वो मनी प्लांट ही होता है जो हम लगाते हैं। तो मनी प्लांट बहुत इजीली इन दिनों चल जाता है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। मनी प्लांट में इसमें मार्बल क्वीन है, मार्बल क्वीन में जो होता है ये येलो शेड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो नियॉन है, नियॉन में जो पूरे जो लीव्स का शेड वो नियॉन ग्रीन होता है। और इसमें बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट भी आता है, और बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट का अगर आप किसी मॉस्टिक पे या अगर किसी पेड़ पे ग्रो कर देते हैं किसी वॉल पे, तो उसमें जो लीव्स का साइज़ और बड़ा होता जाता है। मनी प्लांट की जो नेक्स्ट ये वेराइटी है ये एन्जॉय पोथोस है। एन्जॉय पोथोस में भी जो इसमें जो येलो शेड होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो इसमें ये वैरायटी भी जो है मनी प्लांट की हाइब्रिड वैरायटी है, और ये बहुत अच्छे से विंटर्स में भी चल जाती है। बस विंटर्स में इन प्लांट्स में ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर हो जाती है, लेकिन ये प्लांट्स बिल्कुल भी मरते नहीं हैं। हमने जो विंटर्स में इन प्लांट्स में जो खास ध्यान रखना है कि हमने इनमें वाटरिंग कम से कम करनी है, क्योंकि विंटर्स में जो प्लांट्स मरते हैं वो ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। तो हमने विंटर्स में प्लांट्स में वाटरिंग का मेन ख्याल ये रखना है कि पानी हमने उनमें तभी डालना है कि जब उनका सॉइल की जो अपर लेयर है वो ऊपर से लगभग 1-1.5 इंच तक बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी हमने वाटरिंग करनी है। अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये है जेड प्लांट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लांट। और जेड प्लांट का तो मैं क्या बोलूँ, ये प्लांट एक प्लांट से बहुत जल्दी आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, और ये प्लांट जो है पूरी सर्दी बहुत अच्छे से चलता है। सर्दियों में बस आपने जहाँ आपके घर के या टेरेस के या गार्डन के कॉर्नर में धूप आती है आपने इस प्लांट को सर्दी गर्मी फुल सनलाइट में रखनी है, क्योंकि इस प्लांट का जो मेन न्यूट्रिशन है वो सनलाइट है। जितना हम इस प्लांट को सनलाइट देंगे, जितनी सूरज की रोशनी देंगे, उतना हमारा ये अच्छा प्लांट जो ये ग्रो करेगा। बस विंटर्स में यही होता है, इसमें थोड़ी सी कई बार लीव शेडिंग हो जाती है, पत्तियां जो पीली पड़ के झड़ती हैं, इसके अलावा ये प्लांट अच्छे से चलता है। ग्रोथ थोड़ी जरूर स्लो हो जाती है क्योंकि प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन ये हार्डी प्लांट है, सर्दियों में भी बहुत अच्छे से ये निकल जाता है। इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट्स में, बॉन्साई बनाने में, वर्टिकल गार्डन में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं पेंसिल कैक्टस है, या पेंसिल पाम भी इस प्लांट को कहते हैं। ये प्लांट भी पूरी सर्दी बहुत अच्छे से चलता है, इस प्लांट में किसी तरह की सर्दी गर्मी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बस इन पौधों में जो हमें है पानी कम देना है। अगर विंटर्स में हम पौधों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो जितना हम मैक्सिमम इनको सनलाइट देने की कोशिश करें ताकि जो प्लांट्स को हीट मिलती रहे और ज़्यादा सर्दी से हमारे प्लांट्स मरे नहीं। सर्दियों में भी इस प्लांट को बहुत ईजिली हम मेंटेन कर सकते हैं, इस प्लांट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं ये फाइकस पांडा प्लांट है। फाइकस पांडा भी मोस्टली हम हेज बनाने में यूज़ किया जाता है इस प्लांट का, या टोपियारीज बनती हैं राउंड शेप या अलग अलग शेप की इसकी टोपियारीज बनती है। तो ये प्लांट भी पूरी विंटर बहुत अच्छे से चलता है, इस प्लांट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। बस विंटर्स में थोड़ा सा हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लीव्स येल्लो हो रही हैं उन येल्लो लीव्स को हमने समय समय पर उतारते रहना है, और इसके साथ साथ जो हमने वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, और जो शाम की ओस से भी हमने अपने प्लांट्स को बचाना है। जो हमारे डेलिकेट प्लांट्स हैं उनको हम शाम के समय किसी पॉलीथिन से या कपड़े से ढक सकते हैं, और बाकी हमने यही कोशिश करनी है कि अपने प्लांट्स को जितना सर्दियों में मैक्सिमम सनलाइट दें, हमने अपने प्लांट्स को सर्दी की तेज़ धूप देनी है ताकि जो हमारे जो पौधे हैं वो ठंड से बचे रहें।
नेक्स्ट प्लांट जो विंटर्स में बहुत अच्छे से चल सकता है, जो आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा रखता है, जो मैं कहूँगी कि पाम जो है एक मोस्ट डेकोरेटिव प्लांट के नाम से जाना जाता है, तो खासकर अरेका पाम। पाम की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जैसे राफिस पाम है, तो इस तरीके के पाम की अलग अलग वैरायटीज़ भी आप विंटर्स में अपने पास रख सकते हैं, जो बहुत अच्छे से चलते हैं। इनमें भी हमने सिर्फ जो हमारी डेड लीव्स हैं हमने उनको समय समय पर ज़रूर हटाना है। और नेक्स्ट अब ये देख रहे हैं, ये कनेर प्लांट है। कनेर प्लांट भी हार्डी प्लांट है, विंटर्स जो होती हैं सर्दियां इस प्लांट में कुछ परेशानी नहीं लेके आती हैं, और ये विंटर्स के बाद इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। और मोस्टली जैसे हम देखते हैं रोड साइड में इस प्लांट ये लगे होते हैं, और इन प्लांट को अगर आप खूबसूरत बनाए रखते हैं तो इसको समय समय पे इस पे कटिंग करनी है। विंटर्स में हमने कटिंग नहीं करनी, जो भी प्लांट्स में प्रूनिंग का समय होता है वो फेब्रवरी एंड से लेके मार्च बिगनिंग तक होता है, और विंटर्स में हमने अपने प्लांट में किसी तरीके से प्रूनिंग भी नहीं करनी। और कनेर प्लांट को बहुत अच्छे से हम विंटर्स में मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है, और ये प्लांट सर्दियों में खूब अच्छे से चलता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्डी प्लांट, और शायद ये प्लांट भी सबका बहुत फेवरेट प्लांट होता है, स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया प्लांट। स्नेक प्लांट जो है एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत नीट एंड क्लीन रखता है, हमारे जो एयर को ब्रीथेबल बनाता है, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो रात के समय भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये हमारे एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये प्लांट सर्दियों में भी बहुत अच्छे से चलता है। इस प्लांट में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, इसमें ये जो वेरिएशन है ये येलो और ग्रीन लीव्स है, येलो और ग्रीन लीव्स में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसके अलावा इसकी जो पूरी ग्रीन लीव्स वाली वेरिएशन भी आती हैं, इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी है, इसमें सिलेंड्रिकल भी है, लीव्स की अलग अलग शेप की जो वेरिएटेड वैरायटीज़ भी हैं। तो इस तरीके से स्नेक प्लांट की अलग अलग वैरायटीज़ से भी आप अपने जो है गार्डन को सर्दियों में हरा भरा रख सकते हैं। ये प्लांट सेमी शेड में भी अच्छे से चलता है और सनलाइट में भी अच्छे से चलता है। तो इस प्लांट में सर्दियों में जो सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने अपने इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है, अदरवाइज जो ये प्लांट स्नेक प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छे से चल जाता है। सर्दी गर्मी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, और ये प्लांट भी अगर एक बार ही आप घर पर ले आते हैं तो इस प्लांट को मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि स्नेक प्लांट जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर एक बार आप इस प्लांट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो इस प्लांट को मल्टीप्लाई करके अपने फ्रेंड्स में भी बांट सकते हैं, पूरा आपका जो है गार्डन इस प्लांट से भर जाएगा। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं ये सिंगोनियम प्लांट है, इसको एरोहेड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स जो होती हैं इनकी टिप्स बहुत पॉइंटेड होती हैं। ये प्लांट भी विंटर्स में बहुत अच्छे से चलता है। इस प्लांट को हेजिस में यूज़ हो करते हैं या इसको मॉस्टिक पर भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट में भी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, इसमें ड्वार्फ वेरिएशन भी है, इसके साथ साथ इसमें पिंक सिंगोनियम भी आता है जिसकी लीव्स में पिंक शेड होता है। इस प्लांट को बहुत इजीली हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट भी एक बार अगर एक कटिंग आप लगा लेते हैं तो सालों साल तक ये प्लांट आपके साथ बना रहेगा। आप कटिंग से आप ग्रो करके बहुत इजीली आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं ये अगेव प्लांट है। अगेव प्लांट भी ये कांटेदार प्लांट है और ये सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट आता है। इस प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। सर्दी गर्मी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है आपने, और सर्दियों में इस प्लांट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट अब ये जो देख रहे हैं ये मॉन्स्टेरा प्लांट है। मॉन्स्टेरा प्लांट वैसे तो सेमी शेड का प्लांट है बट विंटर्स में अच्छे से चलता है। विंटर्स में कई बार इसमें थोड़ा सा लीव शेडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आपको लगता है कि आप प्लांट की जो ब्रांचेस लगी हुई हैं तो आप फेब्रवरी एंड या मार्च में इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इस प्लांट में ये इस तरीके से बड़े बड़े कट्स होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इस प्लांट को मोस्टली हम मॉस्टिक की या किसी वॉल या किसी ट्री की हेल्प से ग्रो करते हैं, और जब इसको सपोर्ट मिल जाती है तो इसकी लीव्स का साइज़ बड़ा होने लगता है। इस प्लांट में भी हमने जो है पानी का खास ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये मॉन्स्टेरा प्लांट की वेराइटी है, ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है। इसमें जो लीव्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लीव्स में ये कट्स बने हुए हैं, तो इसलिए इस प्लांट को ब्रोकन हार्ट कहते हैं। ये प्लांट भी विंटर्स में बिल्कुल ठीक चलता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बस हमने इनमें वाटरिंग का ध्यान रखना है। और इन प्लांट्स को थोड़ा हो सके तो विंटर्स में अगर हम धूप में रखें, क्योंकि वैसे तो ये सेमी शेड के प्लांट है, क्योंकि विंटर्स की धूप बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती, तो अगर हम चाहें तो इन प्लांट्स को थोड़ा अगर धूप में रख देंगे तो ये प्लांट सर्दी से बचे रहेंगे और विंटर्स में अच्छे से चले जाते हैं।
नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट भी इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और विंटर्स में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। विंटर्स में इस प्लांट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, पानी हमने इन प्लांट्स में कम डालना है और विंटर्स में हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जितना हो सके हमने अपने प्लांट्स को सनलाइट में रख सकते हैं तो सनलाइट में रखें, क्योंकि सनलाइट जो है जो एक्सेसिव विंटर्स है हमारे पौधों को बचा देती है। सर्दियों में एक प्लांट जो बहुत अच्छे से चलता है वो है यूको प्लांट। यूको प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, सर्दी गर्मी इस प्लांट को ना ज़्यादा सर्दी से कोई असर पड़ता है और ना ही ज़्यादा गर्मी इस प्लांट को इफेक्ट करती है, और हार्डी प्लांट है। इस प्लांट में भी दो वेरिएशंस आती हैं, इसमें एक तो है जिसमें ये लीव्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और इसमें लीव्स में येलो शेड होती है, और नेक्स्ट जो है ये पूरी ग्रीन लीव्स वाला यूका प्लांट है। और ये दोनों वैरायटी सर्दी गर्मी बहुत अच्छे से चलते हैं। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है बट विंटर्स में इस प्लांट पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता। ये प्लांट अगर एक बार ही हमारे पास आ जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इस प्लांट को हम अपने पास रख सकते हैं। इस प्लांट पर किसी तरह का इंसेक्ट अटैक वगैरह भी नहीं होता और किसी बहुत कम केयर के साथ बहुत लंबे समय तक ये प्लांट हमारे साथ बना रह सकता है। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में ये जो आप देख रहे हैं टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन भी विंटर्स में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, इस प्लांट में ग्रोथ भी ठीक रहती है। तो फ्रेंड्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भले वो ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, जब हम लोगों को इफेक्ट करती है तो हमारे प्लांट्स को भी ज़रूर इफेक्ट करती है। तो जिस तरीके से हम अपना और अपनी बॉडी का हम ध्यान रखते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, उसी तरीके से प्लांट्स का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हम अपने प्लांट्स को इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं और जो हमारे प्लांट्स जो हैं वो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं और जो हमारा गार्डन है वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो इस तरीके से कम पैसा खर्च करके भी पूरा साल जो है अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, बस हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं छोटी छोटी टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी विंटर्स।